स्टूडेंट आपके सामने आज भिन्न पढ़ाएंगे। फ्रैक्शन आपको पता है, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन आज हम पढ़ाएंगे। और भिन्न जो है बहुत बच्चों को कठिनाई इसमें होती है। वैसे भी बेसिक क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास देखेंगे, मैथ में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। एकदम छोटी छोटी बातों को हम समझाएं, एकदम पॉइंट्स पॉइंट्स। अगर आप वो अभी ये क्लास देख लेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कितना बेसिक से हमने समझाया है। पूरी प्लेलिस्ट है इंग्लिश की, एकदम बेसिक क्लास है, शब्दों को जोड़ जोड़ कर बनाना, और मैथ्स की भी है, साइंस भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे जो भिन्न, तो भिन्न को हम पूरा बताएंगे और जो भिन्न के टाइप्स बताएंगे उनको आपस में जो इंटरचेंज किया जाता है, बदलाव होता है उनका, बदलना, वो भी समझाएंगे यहाँ पर, भिन्न और उनका बदलना। और देखिए भिन्न जो होगा आपको ये चार टाइप मिलेंगे, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न या आवर्त भिन्न। ठीक है, ये चीजें आपको मिलने वाले हैं। देखिए साधारण भिन्न सबसे पहले होता है क्या? साधारण भिन्न। अगर हम साधारण भिन्न की चर्चा करते हैं तो हम साधारण भिन्न इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको साधारण भिन्न करा हम इसको नाम समझ सकते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन इसको हम बोलते हैं। कौन सा? सिंपल फ्रैक्शन। या इसको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। कौन सा फ्रैक्शन? इसको हम वल्गर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा हो जाता है आपका, दूसरा हमारा मिश्र भिन्न। क्या? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरा हो जाता है दशमलव भिन्न। कौन सा? दशमलव भिन्न। अब कुछ बच्चों को दिक्कत होगी ये कि सर दशमलव भी भिन्न होता है क्या? तो दशमलव भिन्न होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है दशमलव भिन्न, इसमें आपको थोड़ा सा डेसिमल वाली चीजें आती हैं इसमें। ठीक है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। दशमलव भिन्न के बाद आपका आवर्त भिन्न आता है। कौन सा? आवर्त भिन्न। आवर्त भिन्न देखिए हम पूरी चर्चा कर देंगे और आप आज के बाद आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग डबल आर है, रिकरिंग डेस। आवर्त भिन्न या आवर्त फ्रैक्शन, रिकरिंग फ्रैक्शन, मतलब इसको हम आवर्त दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न। इसको हम आवर्त दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी, तो रिकरिंग दशमलव भिन्न या सॉरी आवर्त दशमलव भिन्न, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये चार टाइप के हम यहाँ पर समझाने वाले हैं और चारों का डिटेल यहाँ पर हम एक एक करके बताएंगे और सभी एग्जाम्पल से समझाएंगे। ये चीजें आपको भूल कर जाने वाली नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण भिन्न की चर्चा करते हैं। कौन से भिन्न की? साधारण भिन्न की। साधारण भिन्न को हम क्या करते हैं? ऐसा एक भिन्न होता है, एक भिन्न का ऐसा रूप होता है, भिन्न कोई भी हो तो हमारा उसमें दो चीजें होंगी, एक आपका अंश होगा, दूसरा आपका हर होगा। अंश को हम क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर इसको हम न्यूमरेटर, इसको हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये चीजें हम समझेंगे। अंश और हर में हो मतलब आप समझ सकते हैं ये हमारा p बटा q के रूप में हो, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, p बटा q के रूप में हो। जब हमारा कोई भी संख्या अगर हमारा p बटा q के रूप में हो, किसके रूप में? p बटा q के रूप में अगर है तो समझ लो वो भिन्न हो जाता। अब बोलेंगे बच्चे कि p बटा q के रूप में तो क्या वो भिन्न नहीं होगा? भिन्न होगा, हर एक संख्या भिन्न हो सकती है। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 6 लिखा है तो ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, क्योंकि इसका बटा में एक रहता है, इसका बटा में क्या रहता है? एक रहता है। मतलब ये आपका पी हो गया, आपका क्यू हो गया, मतलब ये अंश हो गया, हर। ये कोई भी संख्या अगर अंश और हर में हो रहती है तो हमारा वो भिन्न हो जाता है, वो भिन्न। अब इनमें से कोई भी भिन्न हो जाए ये पता नहीं, लेकिन भिन्न आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जो पी बटा क्यू के रूप में होंगे ये हमारा भिन्न होगा। बट यहाँ पर कंडीशन होती है, थोड़ा सा कंडीशन क्या होती है, जो ये क्यू होता है ये जीरो ना हो, ये नीचे वाली चीजें जैसे यहाँ पर दो है तो यहाँ पर जीरो ना हो, ऐसा ये भिन्न नहीं होता है। यहाँ पर दो हो तो इसके नीचे एक हो, इसके नीचे चार हो, यहाँ पर दो हो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा, ये सभी हैं भिन्न, बट ये वाला भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ नीचे वाला जो हो, नीचे आपका यहाँ पर क्यू जो हो नॉट इक्वल जीरो, क्यू हमारा जीरो के बराबर
नहीं होना चाहिए, यानी जो भिन्न होता है यह एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब आपकी जो परिमेय संख्या होती है वो पी बटा क्यू के रूप में होती है, पी बटा क्यू को ही हम भिन्न बोलते हैं। इस बात को आप समझ गए कि ठीक है। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा जीरो ना हो, तब हमारा परिमेय संख्या या भिन्न बोली जाएगी, साधारण भिन्न। ठीक है, कौन सा भिन्न? साधारण भिन्न। तो हमारी इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 4/3 - 5/2 - 8/7 15 - 1000/300 कुछ इतना, यहाँ पर 2, 102, ये सभी के सभी क्या है? हमारे साधारण भिन्न है, क्योंकि इसके बटा में एक है तो मतलब ये भिन्न है, जिसमें कोई दिक्कत ना हो ऐसे साफ साफ लिखे हों, ये हमारा होते हैं कौन से? साधारण भिन्न, वल्गर फ्रैक्शन। इसके बाद जैसे मिस जो है मिश्र भिन्न, कौन सा भिन्न? मिश्र भिन्न। यहाँ पर आपका एक संख्या जो होती है यहाँ पर अलग रहती है, ऐसे आपका ये अलग रहता है। ठीक है, एक आपका यहाँ पर संख्या होता है वो क्या रहता है? अलग रहता है, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं इतना सही इतना, इतना बटा सही इतना, जिसे हम इसको इस तरीके से इसको हम, और एक आपका पूर्णांक रहेगा, पूरा पूरा एक आपका क्या होता है? एक पूर्णांक रहेगा, और एक आपका भिन्न से मिलकर बना होगा, एक आपका संख्या, एक संख्या जो होगा वो हमारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा 12 है, ये पूरा पूरा संख्या है, इसको इसके साथ मिला करके कोई मैं भिन्न ले लूं इस तरीके से, तो ये जो हो जाता है ऐसे करने से, ये पूर्णांक संख्या पूरी हो गई, लेकिन यहाँ 3/4 अभी भिन्न में है। ऐसी संख्याएं हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होती है मतलब मिश्र भिन्न होता है कुछ इस तरीके, जैसे यहाँ पर मैं 1 सही 1/2, इस तरीके से मैं 2 सही 3/5, और यहाँ पर 102 सही 15/16 कुछ ऐसे मैं लिख दूँ, तो ये सारे के सारे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। कौन से फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पर अब आ जाता है दशमलव भिन्न। अभी सब में भिन्न को बताते, उसके बाद आपस में बदलना भी बताना पड़ेगा, अभी थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो एकदम आराम से समझ लीजिए, भिन्नों का आज बदलाव भी समझना है आपको। यहाँ पर दशमलव भिन्न आ जाता है, कौन सा भिन्न? दशमलव। दशमलव भिन्न में कंडीशन क्या होती है? इसमें आपका कोई, इसका हर जो होता है, कौन सा हर जो हो वो 10 हो, 100 हो या 1000 हो, कुछ ऐसे भी कुछ भी हो, ठीक है, कुछ ऐसे हो चाहे जो भी हो। जैसे यहाँ पर मैं कोई भिन्न ले लूँ, जैसे यहाँ 5/10 - 18/100, यहाँ मैं लिख दूँ 226 इतना बटा आपका इतना, ऐसे आपको 3/10, ऐसे ये सभी क्या हो जाते हैं हमारे, ये दशमलव भिन्न हो जाते हैं। क्यों? कंडीशन देखिए, कंडीशन इसलिए कि अगर इसका हम बदलाव करें तो इसका मतलब 0.5, इसको हम बदलाव करें 2 0 है तो इसका मतलब 0.18, या फिर अगर हम इसको बदलाव केवल हम 100 ही करें, इसको इसको 100 ही करें, इसको मैं 1000 कर दूं, इसको मैं 1000 कर दूं, तब देखिए क्या क्या होगा। इसको मैं चेंज करूँ 1 2 भिन्न, 1 2 यहाँ पर 1.26, इसको मैं 1 2 3 0 मतलब 3 अंक पर यहाँ जाएगा, 0.003, 1 अंक 3 हो गया, 2 0 लग, तो ये हमारे जो है दशमलव भिन्न हो जाता है, क्योंकि इसमें दशमलव में संख्या आ जाती है। मतलब ये 10 का कोई ना कोई गुणांक होता है, चाहे जो भी, इसका हर जो होता है, इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 10 की पावर, 10 का जो हमारे फैक्टर्स होते हैं चाहे जो भी हो उसके हमारे। अब आवर्त भिन्न आ जाता है, अगला कौन सा भिन्न आ जाता है? आवर्त दशमलव भिन्न। कौन सा भिन्न? हमारा आवर्त दशमलव भिन्न आ जाता है। ठीक है, तो आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होता है? इसमें जो होता है आपका वो संख्या बार बार, आवर्त मतलब होता है आने वाला, जो चीज आपका किसी को मतलब आवर्त मतलब फिर से आए वो दोबारा, जैसे मैं शनिवार को आया हूँ तो अगले फिर ऐसा बात हो कि मैं फिर शनिवार को आऊँ, उसके बाद फिर से बात हो फिर मैं शनिवार को आऊँ, शनिवार को ना हो तो शुक्रवार रविवार को आऊँ, परंतु वो ऐसी कंडीशन हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका 1/9 मैं ले लूँ, 1/9, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो 9 से इसको काटिए, 9 1 9 9 27, 9 1 9 क्या होगा? 9 1 9, अब इसमें काटिए, देखिए 9 1 9 एक बार गया, कितना गया? दिमाग लगाइए, एक बार गया, ठीक है, 9 1 9,
फिर यहाँ पर हमारा एक बचा है, फिर 9 1 9, फिर यहाँ पर बचा 9 1 9। अगर यहाँ पर मेरा होता 3, कितना होता? 1/3 होता, तो इसको मैं करता तो 0.3 * 9, फिर 3 * 9, 3 * 9, ऐसे 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 आता चला जाएगा, ऐसे ऐसे आपका ये। अगर यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 2/3, तो इसको मैं काटूंगा 2 6 18, 2 6 18, तो यहाँ पर 0.6, फिर 6, फिर 6, ऐसे डट डट चला जाएगा। इसी तरीके से मैं कोई भी संख्या लूँ, आपका मान लीजिए यहाँ पर 6/, चलिए छोड़िए, भी बाद में इसको देखेंगे। इस तरीके से मतलब जो बार बार हमारा संख्या काटने की, मतलब उसके बाद वही कटेगा उतनी बार, तो हमारा हो जाता है मिश्र दशमलव भिन्न, क्योंकि दशमलव में आ गया, सॉरी मिश्र क्या, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त मतलब वही संख्या बार बार आ रही है इसमें, देखिए 6 आ रहा, फिर से 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, दशमलव भिन्न, तो हमारा आवर्त दशमलव भिन्न हो जाता है। अब आपस में इनको बदलना सीखिए, अगर इसमें बदलने वाली कंडीशन आपको सीखना है तो 2 4 चीजें आपको समझ में आना भी चाहिए कि हमारा जो भिन्न का टाइप जो है वो हमारा कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, पहले तो उसको हम समझ लें, पहले तो हम उसको समझ लें, ठीक है। जैसे पहले क्या है कि आप आवर्त दशमलव को भिन्न साधारण भिन्न में बदलिए, ये जो है आपको पहले ही वाला देख रहे हैं, इसमें इंटरचेंज करेंगे कि हमारा किसको, जो हमारा शुद्ध आवर्त दशमलव वाला है, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाले भिन्न को हम किस में बदलें, ये वाले भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदले, किसमें भिन्न में बदले, साधारण भिन्न में। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती है बच्चों को, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ पर कोई शुद्ध आवर्त दशमलव ले लिया है, शुद्ध आवर्त दशमलव ले लिया, जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ इसी को 0.03, मतलब 3 3 3 डट डट डट, इसको हमें बदलना है साधारण भिन्न, मतलब इस तरीके से बदलना है। तो इसमें क्या होता है, जितने यहाँ पर दशमलव मतलब आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें देख रहे हैं कि हमारा एक अंक को क्रॉस करना है, कितने, एक अंक को क्रॉस कर दीजिए दशमलव आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो एक अंक को क्रॉस करने का मतलब इसमें हमारा 10 से क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि इसमें 10 से गुणा करेंगे तभी ऐसे करेंगे, और जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या है, तो पहले इसको कुछ माने, तब तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम माना यक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.3 3 3, ऐसे हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू इतना हो गई, मतलब हम जब इसको जहां लिखेंगे उसको हम यक्स लिख सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, इधर यक्स गुणा करें, इधर दोनों तरफ हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर, क्या करेंगे, दोनों दोनों साइड, दोनों साइड, दोनों साइड या दोनों पक्ष में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, और जब 10 से गुणा करेंगे तो हमारा ये 10x हो जाएगा, ये हमारा एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा, तो हमारा 0 लिखने की कोई जरूरत अब है नहीं, तो 3.3 3 3 3 ऐसे डॉट डॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा 10x बराबर है, ये 3 को मैं अलग करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 हटेगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में बचेगा ना, दिमाग लगाइए ऐसे बनेंगे ना, मतलब 10x बराबर 3 और प्लस इसका वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर x लिख देता हूँ, x इधर चला आएगा तो 10x - x बराबर 3 हो जाएगा, 10 में से 1x चला जाएगा तो बचेगा 9x, क्या बचेगा, 9x बराबर हमारा 3। इस तरीके से x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/9 काट देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 1 3 3 9, 1/3, इसको देखिए फिर से, इसका वैल्यू यही फिर प्राप्त हो गई, तब वो वैल्यू यहाँ से फिर से रिप्लेस हो गई। तो हमारा होता है कि कौन सा, ये हमारा भिन्न है कि शुद्ध, हमारा मतलब शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न जो है साधारण भिन्न में बदलना, किस भिन्न में, साधारण भिन्न में बदलना। तो इसी तरीके से आपको बदलने सीखना है, और अगर आप बदलना चाहेंगे तो आप आराम से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं होगी। अब ये जो आवर्त दशमलव भिन्न है, ये थोड़ा डिफिकल्ट लोगों को पड़ जाता है, बाकी उतना डिफिकल्ट होने वाले, कभी कभी क्या होता है, मिश्र दशमलव भिन्न को हम साधारण में बदले, इसको हमने पहले वाले में बदला, इसको हमने पहले वाले मतलब, अब हम इसको मिक्स वाले को साधारण बदल में बदले, मिक्स वाले को साधारण में बदलिए तो कैसे क्या होगा, देखिए इसमें इसमें क्या करना है कि मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे हमारा मिक्स वाला कोई ले लूँ, मिश्र आवर्त दशमलव का साधारण भिन्न भिन्न में बदलें, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 0.3 दशमलव भिन्न है, इसको मैं दशमलव भिन्न को ले ले रहा हूँ, किसको, मिश्र आवर्त, तो मिश्र भी ले रहा हूँ आवर्त भी ले रहा हूँ, मतलब हम आवर्त ले रहा हूँ, मिश्र दशमलव भिन्न भी ले रहा हूँ,
मिश्र आवर्त दशमलव का साधारण। मिश्र भी है, आवर्त भी है, दशमलव भी है, तीनों को मिलाकर एक संख्या ही बनी है। इसको हमें बदलना है किस रूप में, साधारण भिन्न के रूप में। इसको कैसे बदलेंगे, यहाँ पर दिमाग, एक अंक दशमलव है और इसमें बार अगर लगाओ, और जब बार लगा है तो जिस अंक पर जब बार लगा होता है उसमें आप उतने जितने एक अंक पर बार लगा है तो 1 9 लगा दीजिए, काट लीजिए, ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं काटूंगा यहाँ पर 0.7 होता तो एक अंक पे बार लगा है मान लीजिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको वैसे ही 7 को 7 देखेंगे, 1 9 लिख देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 7/9। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर 0.067 और बार मैं 2 अंकों पर लगाया हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 67 हो जाएगा, 2 अंक पर बार लगा मतलब 2 9, और ये दशमलव भी 0, इसको भी अगर 3 अंक पर है तो मैं 3 9 ले जाऊंगा, कितने नौ, 3 9 ले जाऊंगा, और यहाँ पर 0 भी लगा दूंगा, चाहूंगा 0 को मतलब कोई भी नहीं। इस तरीके से ये हमारा बदलाव होता है। ठीक है, और साधारण अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर कभी कभी इस तरीके से लोगों के पास आ जाता है कि यहाँ पर 0.54 और 200 मतलब इतना है, और इतने 2 ही पर बार लगा, इसको हटाना है, इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं, आपका ये जो जो लिखा है संख्या इसको आप वैसे लिख दीजिए, और इसमें जिस पर बार नहीं लगा उसको आप घटा दीजिए, इसको आप घटा दीजिए, और बटा में आपको लिखना है कितने अंक पे बार लगा है, 2 अंक पे, तो 2 9 लिखिए, जितने बार लगा उतना 9, कितना छोड़ा गया है 2 अंक, तो 2 0 लगा दीजिए, और इसको हल कर देंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो हमारी हो जाएगी कुछ इस तरीके से, यानी कि 9 9 0 0 और बराबर 215/396 के करीब आ जाएगा, ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा सममिक्स में था, तो ऐसे प्रकार से आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें लिखा गया है कि आप इसको साधारण भिन्न में बदलिए, यहाँ पर 123/4 है, इसको आप दशमलव में बदलिए, तो दशमलव में ना इसको भाग कर दीजिए, दशमलव में बदल जाएगा, इसकी ये कौन सा भिन्न है आप खुद बदलिए, साधारण भिन्न है, इसको आप दशमलव में बदल दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 3 12, फिर 0 लगाएगा, दशमलव लगाया यहाँ पर, अब बढ़ेगा 7 7 28 4 5 20, कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, मतलब इसको काटेंगे जो दशमलव कटेगा वो हमारा हो जाता है, मतलब ये साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना, कौन सा, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस तरीके से आ जाता है कि आपको ये संख्या मिला है, ये संख्या मिला है, ठीक है, इसको बदलना हो, इसको बदलना हो किसको, इसको साधारण भिन्न में बदलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कितने अंक पे 0 है, इसको दशमलव है, इसको देखिए 1 2 3 अंक है, यहाँ पर क्या करिए, पूरा पहले संख्या लीजिए, 3 अंक पे है दशमलव, तो 1000 कर दीजिए, 1 अंक पे हो 10, 2 अंक पे हो 100, 3 अंक पे हो 1000, इसे भाग करिए, इसको काट लीजिए, काटने पर हमारा 2001/200 आ जाएगा, और इसको अगर हम भिन्न, अभी ये हमारा साधारण भिन्न है, इसको हम बदलना चाहें मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न, तो क्या करिए, 200 को पहाड़ा पढ़िए, इसमें 2000 कितनी बार जाएगा उसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लीजिए, 200 का पहाड़ा पढ़ना है कितनी बार जाएगा, तो 2 6 18, कम से कम 6 बार के करीब आसपास ऐसे जाएगा, तो 2 6 18 नहीं सॉरी 2 2 9 18, तो 1800 के करीब आ जाएगा, तो इस तरीके से 200 का पहाड़ा पर 2 धाम्मा 20 पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 धाम्मा 20, 2 धाम्मा 20 का मतलब 2000, 2001 है तो 1 ज्यादा है, 1 लाख, ये हो जाता है साधारण भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलना। तो आप बातों को समझ गए होंगे, कभी कभी क्या होता है कि बाकी वैसे सारी चीजें हो गई हैं कि कोई बचा नहीं है हम उसको बदलने, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको दोहरा रहा हूँ कि 6.6 और 12, इसको बदलना हो साधारण भिन्न में, इसको बदलना हो साधारण भिन्न में, तब कैसे क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए क्या करें, ये तो पूरा अंक है इसको आप पूरा अंक वाला लिख दीजिए, ये वाले पे 6 पे बार लगा है तो इसको आप 6/9 लिख दीजिए, कुछ ऐसे हो गया, अब इसको काट, ये कट रहा है तो काट दीजिए, 6 2 3 6, सिर्फ 3 2 6 और 3 3 9, ये आ गया, सभी को आपस में बदलना ऐसे सीखना है आपको, कोई इसमें खास दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही इजी तरीका से मैंने किया, मतलब इस तरीके से भिन्नों को आपस में रिप्लेस करिए, बदलिए और एक दूसरे में कन्वर्ट कीजिए, तो बातें समझ में आ जाएंगी, ये वाला थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी सभी इजी है, मतलब यानी कि आपको साधारण से मिश्र में बदलिए, मिश्र में साधारण बदलिए, दशमलव से मिश्र में बदलिए, मिश्र से दशमलव बदलिए, आवर्त में बदलिए और से भिन्न में बदलिए, कुछ ऐसे ऐसे करते रहिए, बदलिए आपस में, सारी चीजें आपका एकदम फास्ट हो जाएंगे, आप धीरे 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 इस तरीके से मैथ्स की बेसिक क्लासे हम यहाँ पर अपने चैनल पर लाते रहते हैं, जो कि हर एक परीक्षाओं के लिए काम आपके लिए आता रहेगा, बाकी जिस टाइप की वीडियो चाहिए उसको आपको कमेंट कर देना है कि सर मुझे इस तरीके की वीडियो चाहिए, इस पर बनाइए, इस क्लास की तैयारी करवाइए, मैं उसके लिए पर्सनल वीडियो जो आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा। ओके, मिले।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारा सेकंड चैनल मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिस पर हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो और यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स, ऑडियो वीडियो एडिटिंग और कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी जरूर देते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड गुड बाय।